इसने एक दुकान से सामान लिया, दूसरे दुकान में जाके बिलिंग करवा रहा है, तो दुकान वाला हमको दिख रहा है ऐसे बोलता है भाई आगे जाओ यार। लग रहा है राजस्थान, अब लग रहा है राजस्थान, देखो तो छोड़ो राजस्थान। अरे बाप रे, ये हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और अभी हम लोग निकल रहे चित्तौड़गढ़ के लिए। मैं सिद्धार्थ पवार और प्रियांग और प्रियांग की मम्मी पापा दोनों, हम लोग कुछ पांच लोग टोटल। तो बस अभी हम लोग फटाफट जा रहे हैं, लेट हो चुके हैं, बस पकड़ना है, तो पहले बस में बैठ जाए उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। उसकी ईयरफोन का अभी तक नहीं मिला। अभी हम लोग बैठ गए बस में, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बस के अंदर का। इसमें ऐसा कुछ भी होता है मैंने पहली बार देखा। यहाँ पे दो दो जगह है, मतलब आराम से तीन लोग आ सकते हैं अपने यहाँ पे, है ना। तो भगवान का नाम लेके अपने ट्रिप शुरू करते हैं अपना चित्तौड़गढ़ का। क्या बोलना चाहेगा पवार, बोल। यस, भगवान का नाम ले, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा मोरिया। यहाँ से देख तो साइड हो जाएगा ली, अभी अपना साइड में बैठेंगे, मस्त कान में ईयरफोन लगाएंगे, एक वीडियो एडिट करना बाकी है, उसके बाद गाने सुनते सुनते सुबह हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जल्दी भाग, बहुत जल्दी जा, जल्दी जा। तो यहाँ पे अभी एक और जगह स्टॉप हुआ है, देखते हैं अगर वो लोग बाहर से कुछ लेने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं। मैं खा के निकला था फिर भी भूख लगी है। आ गया इतु के दूसरी दुकान का, दूसरी दुकान में बिलिंग करवा दिया इसने, एक दुकान से सामान लिया, दूसरे दुकान में जाके बिलिंग करवा रहा है, तो दुकान वाला हमको दिख रहा है ऐसे बोलता है भाई आगे जाओ यार, इसमें खर्चा है भाई सही। तो पहला ब्रेक पड़ा है तो हम लोग सोच रहे कुछ खा ले, क्योंकि अभी सीधे सुबह 7 बजे हमारी बस रुकेगी, तो तब तक भूखा ना रहना पड़े इसलिए। डिनर ब्रेक हो चुका है कंप्लीट और अब बस जाएंगे, अभी गाड़ी चालू तो बस अभी जाएंगे गाड़ी में, सोएंगे मस्त 7 घंटे की नींद लेंगे और फिर पहुंच जाएंगे हम लोग चित्तौड़गढ़। अभी टाइम 4:42 जितना हो गया, गाड़ी काफी देर से उदयपुर में खड़ी है। और चले चलो चलो चलो, और चले आ गया, पता ही नहीं चला भाई। चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके, एकदम द्वारका वाला फील आ रहा है, द्वारका में भी सेम ऐसा बैठ जा, मेरे को पीछे बैठे थे जान दो खुजली आ गई, खुजली लग गई, एकदम द्वारका वाला फील आ रहा है, क्योंकि द्वारका में भी सेम ऐसा ही। अगर ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा हम लोग ऐसे रिक्शा में बैठ के गए थे रेलवे स्टेशन के बाद से। अब और कहते हैं पवार को एक रिक्शा वाले भैया बोलते होटल चलोगे। हम लोग अभी प्रियांक के मामा के घर पहुँच चुके, तो आगे के 3 दिन हमको यहीं पर रहने का है, बस हम लोग होम टूर ले रहे हैं। एक बार टेरेस भी देख लेते, राजाओं के जमाने का देखो, ठीक है। टेरेस गार्डन है क्या? यस, हाँ मस्त लग रहा है। ये क्या, ये मतलब ये क्या है भाई? साल भर की व्यू। अरे बाप रे, ये देखो भाई, अब लग रहा है राजस्थान, अब लग रहा है राजस्थान, देखो तो छोड़ो राजस्थान। अरे बाप रे, ये नीचे से भाई ये सब खरीद के लेके आए कि ये सब सही है भाई? तो साल दो साल में पेट डालते हैं। कितना मिला इसका? अरे इतना बेचे तो कितना मिला? एक बॉटल का 3-4 मिले। एक बॉटल का 3-4 भैया, करोड़पति। अभी मैं क्या बोल रहा था, रात को एक बोरिया रेडी करते निकलते बेचते ये। चलो अभी मैं एक क्विक टूर दे देता हूँ टेरेस गार्डन का। सो कुछ ऐसा है देखो, यहाँ पे मस्त लग रहा है एकदम, और एक शो के लिए खाली एक लांटेन रखा हुआ है। वाह, ये देख रहे हो, देखो ये जो यहाँ पे जो छेद है यहाँ से ये सब बाहर आ रहा है, और यहाँ पे कुछ ये पानी का ये कुछ सिस्टम है, वो धीरे धीरे पानी जाता है। मस्त है यार, यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही है सब, खाद खेत में से लेके आए, खेत ना वहाँ से लेके। तो बस खाली उसी पे मत ध्यान देना, वो तो आज रात को हम बेच देंगे। अभी थोड़ी देर में हमको देखो वो जो दिख रहा है वहाँ जाना है, वहाँ पे है किला। किसका किला? रतन सिंह का किला।
तो किला विला देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, पर जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको भी मेरे ऐसा लगेगा नया नया। तो आज आप लोगों को घुमाने की जिम्मेदारी मेरी। देखो सामने दिख रहा है, हाँ, वो कालका का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन, जहाँ पे पद्मावती। वो यहाँ से जूम नहीं होगा भाई, बहुत देखो यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा, देखो मैं बताता हूँ पॉइंट करके, ये रहा। हाँ तो हाँ, और वो जो पद्मावती जो मूवी में दिखाया था वो सब यही पे है ना? हाँ तो वो भी दिखा है कि उस टाइम उसका क्रिएशन अलग किया हुआ ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वो है वही जगह जहाँ पर हुआ था। हाँ तो चलो वो भी आप लोगों को बताएंगे। हम साथ में ही लेके जा रहे माथे पे मारू। ये स्क्रिप्टेड है, चले तू जाए भी। पर टेरेस वाइब्स बेस्ट थी भाई मेरा तो। मैंने तो आते ही सबसे पहले टेरेस देखा ना, मैंने बोला भाई सोना यहीं पे ही रहा था। भले फटती, भले डर लगे, भले वो स्टोरी आपको रात को बताएंगे हम। ये खजूर का पेड़ है, इसके रिलेटेड देखो यार अभी सब चीजें यहाँ पे अभी बता दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज जब होगी तभी बताएंगे। मैं एकदम ना के एकदम रेडी हो चुका हूँ, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है सुबह का वो आ चुका है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये रहा ये मेरा ब्रेकफास्ट है। पवार का नाना बाकी है, प्रियांक नीचे नहाने गया है, और मेरा तो सब हो चुका है कंप्लीट। अभी यहाँ से अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे फोर्ट के लिए, वहाँ मिलते हैं फिर डायरेक्ट आप लोगों से। किले में ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद से बंद हो सकता है, नवरात्रि है उसके वजह से। अब देखते क्या है। अभी देखो पवार उसका मास्क ढूंढने गया अंदर, जो कि मेरे पास ही मैं छुपा के रखा था। सिद्धार्थ आ जाओ। सिद्धार्थ तो चलेगा नीचे मास्क भाई। बेचारा उसका मास्क ढूंढ रहा है अंदर, जो कि मेरे पास ही पड़ा है। क्या हुआ बे? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? नथिंग। ये ढूंढ रहा था। पीछे देखो अंकल, देखो क्या बोल रहा है ये मेरे को। जांजरी वाला ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा कि मेरा जो टफन था वो टूट चुका था। उसके बाद मैंने अभी तक टफन लगवाया नहीं था। पहले हम लोगों ने सोचा कि टफन लगवा लेते, वरना फिर अगर एक बार फ़ोन गिर गया, स्क्रीन टूट गई तो फिर काम भी रुक जाएगा और खर्चा भी आ जाएगा, इसलिए पहले टफन लगवा लेते। भाई देखो, देख यार दिख रहा है, देख भाई क्या यार शक्ति है यार। देख प्रियान यहाँ से लग रहा है भाई, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है, अच्छी लग रहा है। ये सब गन्स देखो भाई, हमारी हाइट से बड़ी गन है देखो। तो ऐसी जगह पे हिस्टोरिक चीज़ें के बारे में नॉलेज मिलती है ना, तो मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि पहले के ज़माने में यही सारी चीज़ें यूज़ हुई है, तो जब वो चीज़ों को देखते हैं ना तो पता नहीं कुछ अच्छा ही लगता है कि मतलब कैसे हुआ होगा। और जो जो शील्ड और वो सब उस पर जो स्कार्स लगे हुए हैं ना, वो देख के तो मतलब एक अलग ही मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है कि यार मतलब उस टाइम पे क्या हुआ होगा ऐसा।